नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार में कोरोना के रोकथाम के लिए अपनाए जाने वाले मॉडल के बारे में। देश भर के कई राज्यों में कोरोना के मामलों में रिकॉर्ड तोड़ बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, जिसके बाद से अब एक बार फिर से एक साल पहले का नजारा आंखों के सामने सच साबित होता नजर आ रहा है। जहां एक तरफ भारतवासी इस बात को लेकर राहत की सांस ले रहे थे कि कोरोना टीके का निर्माण कर लिया गया है, वहीं 24 घंटे में आने वाले मामलों में भी गिरावट देखने को मिल रही थी। मगर अचानक से कोरोना के नए वेरिएंट ने सरकार के साथ साथ सभी की परेशानी बढ़ा दी है। अभी तक कोरोना के नॉर्मल वेरिएंट ने कई लोगों की जिंदगियां छीन ली थी, मगर अब कोरोना के नए वेरिएंट्स के कारण जान गंवाने वालों की संख्या में एक बार फिर से बढ़ोतरी की उम्मीद जताई जा रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए बिहार में भी अब सरकार अलर्ट मोड में काम कर रही है। इतना ही नहीं, दूसरे राज्यों में बढ़ रहे मामलों को ध्यान में रखते हुए सरकार अब पूरी तरह से अलर्ट मोड में आ गई है, ताकि दोबारा से बिहार में लॉकडाउन की स्थिति उत्पन्न ना हो जाए। इसको लेकर ही अब बिहार सरकार ने बिहार में 3T की तर्ज पर काम करने का आदेश जारी कर दिया है, जिसके तहत बिहार में कोरोना के रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग और सिविल सर्जन की टीम अब ट्रेसिंग, टेस्टिंग और ट्रीटमेंट पर खास ध्यान देने वाली है। प्रधान सचिव के निर्देश पर पटना आने वाले लोगों की कोरोना जांच का आदेश जारी कर दिया गया है, जिसके परिणाम स्वरूप अब जो भी लोग दूसरे राज्यों और खास करके मुंबई, महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक और पंजाब से आ रहे हैं, उनके लिए रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट और बस स्टैंड पर जांच कैंप का आयोजन करवा दिया गया है। हालांकि मजिस्ट्रेट के अभाव के कारण कुछ जगहों पर जांच की प्रक्रिया सही ढंग से नहीं हो पा रही है। इसके साथ ही ग्रामीण इलाकों में भी आने वाले लोगों पर खास नजर रखी जा रही है, जिसके तहत सिविल सर्जन ने अपना बयान जारी करते हुए बताया है कि ग्रामीण इलाकों में इन राज्यों से आने वाले लोगों को सूचना देने और जांच के लिए पंचायत प्रतिनिधि की भी मदद ली जाएगी। इसके साथ ही कोरोना दोबारा से अपना विकराल रूप ना ले, इसको ध्यान में रखते हुए ही PHC प्रभावियों को भी इन राज्यों में आने वाले लोगों की जांच सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया गया है। इसके साथ ही कोरोना की ट्रेसिंग के लिए आशा कार्यकर्ताओं और आंगनबाड़ी सहायिकाओं से भी मदद ली जाएगी। इसके बाद जांच में पॉजिटिव पाए जाने वाले लोगों पर माइक्रो आइसोलेशन केंद्र या फिर उनके घर पर ही आइसोलेट करने की व्यवस्था पर फिलहाल काम हो रहा है। इसके साथ ही पॉजिटिव पाए गए लोगों के इलाज का भी पूरा ध्यान रखे जाने का आदेश जारी किया गया है। आपको बता दें, ये सभी एहतियात कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी ना हो, सिर्फ इसको ध्यान में रखकर ही लिया जा रहा है। इसके साथ ही बिहार वासियों से फिलहाल 2 गज की दूरी और मास्क पहनने की भी नसीहत दी गई है। हालांकि इन सबके बीच ये साफ कर दिया गया है कि बिहार आए लोगों के साथ किसी भी तरह का गलत व्यवहार नहीं किया जाए, बल्कि पॉजिटिव मरीजों की देखरेख अच्छे ढंग से की जाएगी। हालांकि उन्होंने लोगों से काम होने पर ही बाहर निकलने का निवेदन भी किया है। इसके साथ ही जो भी लोग टीका लेने के योग्य है, उनको टीकाकरण केंद्र पर ही टीका दिए जाने की बात कही गई है। वहीं बिहार के सबसे ज्यादा संक्रमित जिलों की बात करें तो इसमें राजधानी पटना का नाम सबसे ऊपर है। अभी भी हालत ये है कि सभी अन्य जिलों के मुकाबले पटना में संक्रमितों की संख्या बाकी जिलों के मुकाबले काफी ज्यादा है। यही कारण है कि सरकार भी अपनी तरफ से एहतियाती कदम उठाते हुए पटना वासियों को कोरोना के नियमों का पालन करने की सलाह दे रही है। इन सबके बीच पंचायत चुनाव का आयोजन भी होने वाला है, जो कि चुनाव आयोग के सामने एक और बड़ी चुनौती बनकर सामने आई है। हालांकि सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है कि चुनाव का आयोजन भी हो जाए और कोरोना के मामले में दूसरे राज्यों की तरह ही बढ़ोतरी ना हो। इसी को लेकर प्रदेश के मुखिया और पंचायत प्रतिनिधि त्रिस्तरीय चुनाव के पहले स्वास्थ्य विभाग की मदद करने वाले हैं। मुखिया प्रतिनिधि 8,000 से अधिक पंचायतों में रहने वाले 60 से अधिक और 45 से 59 साल के बीमार लोगों की पहचान करने वाले हैं और लिखित रूप में इसका पूरा विवरण स्वास्थ्य विभाग को सौंपने वाले हैं। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि बिहार में COVID-19 का टीका को बढ़ावा देने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने पंचायतों के चुने हुए जनप्रतिनिधियों की मदद लेने का फैसला लिया है। बीते सप्ताह ही स्वास्थ्य विभाग ने इस पर सहमति बनाई थी। हालांकि बिहार में टीकाकरण का काम जोर शोर से जारी है। इसके बाद उम्मीद यही जताई जा रही है कि हम जल्द ही कोरोना के जंग से जीत हासिल कर सकते हैं। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।